जी सही, बस तो तुम्हारा हो गया ना, लिंक्स इंस्टॉल हो गया याद तीन है चीज ना? चाहिए, इम्यूलेटर चाहिए, लिंक्स चाहिए, और वो आरएस लॉजिक्स मैक्रो चाहिए, तीन हाँ मैक्रो चीज चाहिए बस। एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है इसको। हाँ, इसमें एक्टिवेट की जरूरत नहीं एक्टिवेट नहीं करना तो फिर प्रॉब्लम है। ये तीनों आ गए ना, एक ये दो ये तीन। हाँ, इमुलेट आ गया, माइक्रो आरएस लिंक्स आ लॉजिक गया, हाँ तीनों चीज आई है, हो तो आ गया, हो गया। अब खोलो ना, गया। तुम खोल के देख लो इसको, खोलो आरएस लॉजिक को खोलो। तीनों को एक एक करके खोल लो। ये तो खुल गया तुम्हारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, खोलो ना, नया फाइल खोलो, न्यू करो ना फाइल को, जाओ न्यू करो, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक ओके कर दो, तो खुल गया तुम्हारा। अब बनाओ खुल गया, एक लेटर बना लो, कुछ भी क्लिक करो, रंग में क्लिक करो, नहीं रंग सिलेक्ट नहीं हुआ, हाँ आ गया। अब इसमें लिखो आई कॉलम 0.0/2, आज कोई आया नहीं सर अभी तक, तीन ही आदमी, चार आदमी बस। तो अच्छा पता है कि नहीं है, उनको तो पता दिया था क्या तो आपने उसने? डाला था ना, वो कॉलम 0.0/0 डाल दो। इसमें डाल दे क्या ग्रुप में सर? ये हो गया। हाँ अब इसको सेव कर लो, कोई भी एक नाम से सेव कर लो, टेस्ट पेपर नाम है। ठीक है, अभी इमोलेट खोलो, आरएस लिंक्स खोलो। हो रहा है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो खुल गया है इमोलेट। अब यहाँ से वो वाला आरएस लिंक्स वाला फाइल निकालो, फाइल पे जाओ, ओपन करो, टेस्ट प्रोजेक्ट में जाओ, ओपन करो। ओके तुमने कंपाइल नहीं किया, कैसे करेंगे? आरएस लॉजिक्स को खोलो फिर से, इसको बंद मत करो, रहने दो। हाँ उसको मिनिमाइज कर दो। आरएस लिंक्स को भी, हाँ किसी को इसको आपने प्रोजेक्ट वेरीफाई नहीं किया ना, यहाँ से जाके वेरीफाई करो, यहाँ पे वो ये रहा ना। मॉनिटर जैसा दिख रहा है ना, उसमें मॉनिटर जैसा दिख रहा है, उसके बगल में हो गया, वेरीफाई किया, वेरीफाई प्रोजेक्ट, वेरीफाई फाइल्स हो गए वेरीफाई। अब सेव कर दो, फिर से यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दो। मतलब रिविजन नोट लिखने की जरूरत नहीं, ओपन कर दो। ठीक है सेव हो गया, अब आप लिंक्स भी खोलो और इमुलेट भी खोलो। आरएस लिंक्स खुला हुआ है, इसको मिनिमाइज करके रखो, क्लोज मत करो ना, क्लोज क्यों करते हैं? तीनों एक साथ खुलना खुला रहेगा। आरएस लिंक्स क्लासिक लाइट, ये लिंक्स खुला है और ये इमेल खुला। हाँ इमुलेट खुलो, लिंक्स खुलो, ओके, फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट बैकअप ये बना। वाला, हाँ यहाँ ऊपर वाला, ये लेकिन सर हो ये वाला गया, क्या बना? ये वो बैकअप फाइल बैकअप बन है। गया है। तुमने जो बाद में वेरीफाई किया ना, जितना बार तुम रिवाइज करेगा, अगर रिविजन नोट मतलब तुम अलग अलग से सेव करता है, तो हर एक बार आपका बैकअप फाइल बनेगा उसका।
बनते जाएगा। हाँ ऑटोमेटिक बैकअप ले लेता है, जीरो जीरो करके ओके कर दो, ठीक है रन कर दो यहाँ हाँ रन रन बगल पे यहाँ पे यहाँ पे। बगल हाँ हो गया। पर रन गया। माइक्रो अभी तुम माइक्रोलॉजिक्स, हाँ इस पर देखो, इस पर इसमें इस पर क्लिक करो, प्लस साइन में इस इधर प्लस साइन में देखो भाई, तुम माइक्रोलॉजिक्स खोलो ना, माइक्रोलॉजिक्स बंद करके रख दिया। माइक्रोलॉजिक हाँ अरे हाँ खुला माइक्रोलॉजिक है। करो। हाँ 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 बस अब उसको ये करो ना टूल्स में जाके। कम्युनिकेशन पे जाओ, हाँ इसको छोड़ो ना, अरे सीन्स को मिनिमाइज करके रखो, बंद मत करो, इसका मिनिमाइज कर स्क्रीन्स दो। तो मिनिमाइज ही है सर, ये ये क्या खुला? वाला हाँ इसको मिनिमाइज करो ना, मिनिमाइज करो और उसमें इसी में रहो। इसमें कॉम में जाओ, टू एक्टिव टू गो ऑनलाइन मारो, हाँ इसको क्लिक करोगे इमुलेट खोलना, रन किया है। डायरेक्ट ऑनलाइन में जाओ ना। नहीं कनेक्शन नहीं है, इमुलेट को एक बार फिर से बंद करके कनेक्शन नहीं है इसके। ओके बाय। अब लॉजिक स्कूल इसको करने दो। हाँ कॉम में जाओ, ये प्लस साइन में क्लिक करके ऊपर। हाँ कुछ तो आ रहा ना, एक बार टूल्स नहीं कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। पे थोड़ा सा ओपन करना पूछ था। नहीं कैंसिल करो इसको कैंसिल। डायरेक्ट ऑन नीचे करो, नीचे 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 गो ऑनलाइन में डायरेक्ट जाओ ना। गो ऑनलाइन में नहीं होगा, नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, कैसे कैसे जाए। ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन पास है ना, तो ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ गड़बड़ आरएस लिंक्स में सेलेक्ट किया है क्या। वो आरएस लिंक्स में जाना एक बार। हुआ है। आरएक्स में हाँ वहाँ पर जाके वो मॉनिटर दिख रहा है ना वो कनेक्शन। नहीं, वो कनेक्शन उसके बगल वाला जो है वो। हाँ इसमें तो हाँ ड्राइवर ही नहीं इंस्टॉल है तो कहाँ से वही होगा। बोल ड्राइवर ही इंस्टॉल नहीं है, ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ना। हाँ जितना वो नीचे में जाओ वो पर आरएस यस 32 DFI ये वाला इंस्टॉल करो।
creo que Rosero. एक दो एक दो और ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। ऊपर जाओ उसमें और नहीं ये वाला कर दो, अतर रिमोट डिवाइसेस बाय लिंक्स कोई चीज ये वाला कर दो। वो भाई और इम्यूलेटर वाला भी करो एक। मिलीटर हाँ ये वो वाला हाँ वही है ना। उसमें सिर्फ इमू 500 बोल के कुछ है तो? हाँ ये रहा सर। हाँ ये हाँ वाला वही वो हाँ वही लकी है ना। यही रखो, बाकी पूरा दिन से कुछ नहीं होगा, सिक्स से होगा। बाकी क्लोज कर दूँ? हाँ क्लोज कर दिए क्लोज कर दो। स्टॉप तो इमुलेटर आ गया ना, अब हो जाएगा। क्लोज कर दो जो भी किया अब वो इम्यूलेटर 500 में जाओ तो इधर से ये रिमूव कर दूँ? नहीं वो रहने दो कोई रहने दो दिक्कत ना, है। कोई दिक्कत नहीं है। इम्यूलेटर 500 में जाओ उसी में लिंक्स में लिंक्स में हाँ जो पहले था। आया हाँ वही 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 आ गया ना अब। आ गया ना। हाँ अभी लॉजिक्स कौन अभी जाओ। बीजा एफ एक्टिव हाँ इधर आ गया, हाँ इम्यूलेटर खोलो। इम्यूलेटर 5 ओके ओके आ हो गया। गया हो गया। और अभी ये जो भी किया ना, मेरे को इसके पीछे का मतलब नहीं है। आपने बताते गए, मैं करता गया तो कुछ नहीं है, तुमने सिर्फ ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया था आरएस लिंक्स का तो। सर अभी मैं ये सब क्लोज कर देता हाँ तो और ड्राइवर इंस्टॉल करना है ना, ड्राइवर जो है उसमें ड्राइवर सिर्फ ऐड करना रहता है बस। हर एक पीएलसी का अलग अलग ड्राइवर होता है ना, वो तो हाँ होता है। बाकी तो देखो सर, मैं आ रहे लॉजिक ओपन मैं यहाँ पे ये करके उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ ये क्या बिल्कुल दिखाता है सर? ये आपका सीरीज दिखा रहा है कि कौन सा पीएलसी है, जो भी पीएलसी आप यूज कर रहे हो या फिर जो भी पीएलसी पीएलसी के पीएलसी का आप क्या कहना है इसको, लॉजिक लिखना है आप वो वाला, वो सिलेक्ट मेरा करना है। पीएनसी तो तो कोई भी आप आपके पास जो भी पीएलसी होगा है ना, अभी तो हमारे पास कोई भी पीएलसी नहीं है, तो उस पीएलसी का सीरीज क्या है, वो पर्टिकुलर सीरीज आपको यहाँ से चूज करना है। ठीक है, तो अभी अभी तो कोई पीएलसी है नहीं ना, आप हम तो इम्यूलेटर पे काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी सीरीज ले लो, ए सीरीज बी ले लो, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फिर यहाँ से मतलब कोई भी, चलो मैंने सीरीज लिया अगर सपोज हाँ, करो कोई भी यहाँ ले पे काम लो, कर रहा हूँ तो वही अलग सीरीज। अलग अलग सीरीज का अलग अलग फीचर्स रहता है, अलग अलग नंबर ऑफ आईओस रहते हैं। ठीक है, तो पकड़ लो 1100 और 1000 में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? क्लियर? सो आप कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी इसी माइक्रोलॉजिक से 1100 सीरीज से आप SLC 500 का प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो, समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग, जब 500 SLC 500 का अगर हमको प्रोग्रामिंग करना है पीएलसी का, तो हमको RS Logix 500 चाहिए। माइक्रोलाइट से नहीं होगा, तो RS Logix 500 से मोटा-मोटी ये सब 1100 1000 रेंज का सब सब पीएलसी हो जाएगा, है ना? ओके मतलब ये बता रहा है कि
कौन सा सीरीज का पीएलसी है, किसके लिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो बता रहा है। ये जो जितने लिखा रहा है इस सॉफ्टवेयर से पर्टिकुलरली ये होगा। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सी 5000 हाँ, तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा आरएस लॉजिक्स 500 उसमें यहाँ पे आपका एसएलसी 500 का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसमें अभी ये खुल गया आपका मेन आपका जो प्लेन है यहाँ पे आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना। यहाँ से आपके सारे जो सिंबल्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये सारे सिंबल्स है आपके, लेटर लॉजिक आपको लिखना है ना। तो आप यहाँ से सिंबल्स उठाओ, ये रहा है। जैसे ये पहला वाला क्या है, यूजर किया हुआ है। यहाँ पे कुछ यूजर इंटरफेसिंग सिंबल्स है ना। और इसमें से हमने अभी किया है आपका चेक फॉर 1, चेक फॉर 0 और आउटपुट नॉन रिटेंटिव आउटपुट किया है। ये तीनों सिंबल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक लैच एल लिखा हुआ है, एक यू लिखा हुआ है ना। सो ये दो आउटपुट कॉइल है, एक है लैच कॉइल और एक है आपका अनलैच कॉइल। तो जब कभी भी हम लैच यूज करेंगे उसके साथ अनलैच यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, लैच और अनलैच साथ में आता है। मतलब अभी तक जो हम लोग कोई भी एक आउटपुट कॉइल को हम लोग जो लैच कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, आउटपुट का जो एड्रेस है उसी आउटपुट के एड्रेस को हम एक पैरेलल में ले रहे थे, है ना, लेके हम इसको लैच कर रहे थे। अभी क्या है, यहाँ पे फैसिलिटी ये है कि आपका लैच और अनलैच कॉइल है ये, और इस आउटपुट कॉइल को हम बोलते हैं रिटेंटिव कॉइल, रिटेंटिव कॉइल्स। अब रिटेंटिव कॉइल अगर यूज करेंगे तो हम कहीं पे भी पकड़ ले, ऐसा एक आईकॉन ले लिया एक इनपुट और उसके साथ मैंने एक रिटेंटिव लैच कॉइल ले लिया, ठीक है, और O1 दे दिया, तो आउटपुट 1 लैच किया ना। सो किसी दूसरे कंडीशन के वजह से, पकड़ लो I2 मारने से, हमको इसी O1 को फिर से अनलैच करना पड़ेगा, नहीं तो ये लैच होके बैठ जाएगा। समझ में आया। सो पहले जो मैंने बताया था कि एक आउटपुट कॉइल का एड्रेस एक ही बार यूज कर सकते हैं ना, आउटपुट कॉइल में एक ही एड्रेस एक बार, लेकिन अगर हम लैच कॉइल यूज कर रहे हैं तो उसका सेम टू सेम रजिस्टर अनलैच का भी देना पड़ेगा। मतलब O1 जब मैं लिख रहा हूँ तो O1 के जो रजिस्टर हमने बुक किया है उसी को जब मैं लैच कर रहा हूँ तो इसी रजिस्टर को तो अनलैच करना पड़ेगा, इसीलिए लैच और अनलैच इसी तरीके से लिखा जाता है। एक बार लैच करेंगे तो अनलैच भी करेंगे। ठीक है, समझ में आया, लैच अनलैच। तो इसको अलग अलग पीएलसी में अलग अलग नाम होता है। कुछ लोग इसको सेट रीसेट बोलते हैं, एस और आर लिखा रहेगा, और कुछ एलन ब्रेडली में इसको लैच और अनलैच कहते हैं। सो ये वेरी इजी थिंग है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि हम पकड़ लो ये एक स्टार्ट पुश बटन लिए, एक स्टॉप पुश बटन लिए, और एक मोटर को हमने स्टार्ट करने के लिए एक चैनल पे ट्रिगर किया। इसको लैच कराने के लिए हमने यहाँ पे इसका पैरेलल ये पकड़ लो O1, तो O1 हमने यहाँ पे लिखा था, है ना। दिस इज I1 पकड़ लो, दिस इज I2, तो ये नॉन रिटेंटिव कॉइल से हमने लैडर लिखा था। सेम टू सेम लैडर अगर मैं लैच अनलैच से लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1 तो O1 लैच, और I2 सो अनलैच। ये दोनों प्रोग्राम सेम है कि I1 अगर प्रेस कर रहा हूं तो O1 चलेगा और लैच होके बैठ जाएगा, जब मेरा I2 आएगा तब जाके मेरा O1 अनलैच होगा। और रिमेम्बर, जब कभी भी आप लैच और अनलैच कॉइल यूज करते हो तो हमेशा लैच कम फर्स्ट एंड अनलैच से, नहीं तो क्या होगा कि आपका मोटर पकड़ लो, अगर एक ही साथ अगर दोनों इनपुट आए स्टार्ट और स्टॉप तो लैच होके बैठ जाएगा और अनलैच नहीं होगा। जबकि हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉप शुड बी प्रेफर्ड फर्स्ट, स्टॉप पहले आना चाहिए देन स्टार्ट,
तो हमेशा अनलेच को पीछे रखो ताकि या अनलेच इसके ऊपर ओवरराइड करके बैठे, है ना? ठीक है। जब हाँ बोल। ये तो आपने बताया मुझे इसका, अभी ये मैंने ये आरएक्स लॉजिक्स को, अभी ये इम्यूलेटर जो है ये मैं ये मान सकता हूँ कि फॉर नाउ दिस इज माय पीएलसी, है ना? तो अभी मैं इस पीएलसी को सिलेक्ट करके इसमें मुझे जो प्रोग्राम रन करना है वो प्रोग्राम असाइन कर दो। स्टेशन एड्रेस ये स्टेशन एड्रेस मतलब क्या होता है सर? अब कौन से पोर्ट पे वो लगेगा वो तो देना पड़ेगा। आप 0 0 2 0 1 2 आप पहचानोगे कैसे? नहीं तो कौन सा पीएलसी है तो कौन सा स्टेशन है उसी का एक एड्रेस देना है। तो जीरो मतलब जीरो दे दो जीरो वन दे दो। मतलब हो सकता है कि 4-5 PLC, हाँ एग्जैक्टली ये पहले नंबर के पीएलसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को हटा जीरो। दूंगा हाँ ओके और अभी ये पीएलसी रन मोड पे है। हाँ रन मोड में चला चार रन कर दिया उसको। अच्छा ये जो आरएस लिंक हाँ ये खुला हुआ है मुझे। ठीक है है खुला है। ये जो मैंने ये किया तो ये इमुलेट सॉफ्टवेयर आया। सब हाँ ड्राइवर मतलब ये सारे लेट अलग अलग ड्राइवर। पीएलसी है तो अलग अलग ड्राइवर्स है। पहले मेरे को कम्युनिकेशन करके या ड्राइवर डायग्नोस्टिक्स में जाके वो नहीं ध्यान से यहाँ पे पहले ड्राइवर सिलेक्ट करो कि मेरे को ऐसे यहाँ से ड्राइवर लोगे। ड्राइवर लिंक के साथ वो सिलेक्ट करें करके करके यहाँ पे सिलेक्ट करने का और छोड़ देने का। नहीं वो सिलेक्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा उसमें दिक्कत नहीं। आपका आपने अगर आरएस आपके पास पकड़ लो 3 पीएलसी है। ठीक है पीएलसी अलग अलग पीएलसी है अलग अलग पकड़ लो। एक SLC 500 है एक आपका 1100 है एक आपका 1400 है। अलग अलग पीएलसी है और आपका आप जब आरएस लिंक्स तो एक ही यूज होगा। तो इसी आरएस लिंक्स में आपको सारे के सारे जितने सारे आपके ड्राइवर्स होंगे ना वो सारे दिखाएगा। ठीक है तो नेट पूरा नेटवर्क में कितना कौन सा पीएलसी है कौन सा स्टेशन पे है वो आपको दिखाएगा। क्लियर? इसको खोलो। अभी आपको उसी हिसाब से यहाँ पे आपको वो सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेने हैं। जो जो आप कार्ड लगा रहे हो उसका ड्राइवर यहाँ पे आरएस लिंक्स पे होना चाहिए। ठीक तो ये स्टार्ट मोड पे है, ठीक है? यहाँ से फिर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये मेरा आरएस लिंक खुला। अभी यहाँ पे कॉम करके मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी देख एक चीज बताओ। हाँ ठीक है ये इसमें से ये मैंने जो सिलेक्ट किया है ये तो इमुलेटर है ना। यहाँ से स्टेशन सिलेक्ट करो। तो स्टेशन कौन सा रन कर कौन रहा है अभी सा स्टेशन? देखो ना। ये तो 0 0 तो रन नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है 0 1 पे। तुमने अभी जो सिलेक्ट किया था वो 0 1 किया था ना। तो 0 1 को सिलेक्ट करो करके ओके कर दो। मतलब अभी दूसरा कुछ सेव प्रोजेक्ट का खुलेगा क्योंकि नया प्रोजेक्ट लिया था। कर मतलब सबसे पहला काम आरएक्स लिंक्स खोलो, आरएक्स लिंक्स पे वो फाइल बनाओ, इम्यूलेटर पे जाओ, इम्यूलेटर पे अभी आरएस लिंक्स पे तुम्हारा तो फाइल है ना। इस फाइल में जाके इसको खोलो ना। ओपन करो फाइल को। ओपन करो उसी प्रोजेक्ट को खोलो। हाँ ओपन कर दो। नो कर दो। खुल गया। अभी आप कम्युनिकेशन पे जाओ।
वो ऑनलाइन कर दो, कम्युनिकेशन ओके अरे अभी इसमें क्लिक कर, राइट क्लिक, हाँ राइट क्लिक, टूगल बिट, चलो हो गया ऑन, ये अभी वन हो गया, अभी इसको खोलो, इनपुट फाइल डाटा फाइल को खोलो, यहाँ पे यहाँ पे डबल क्लिक, देखो ये आपको वन दिखा रहा है, ठीक है, क्लोज करके सर आउटपुट डाटा फाइल खोलो, वन दिखा रहा है, ठीक है, वन दिखा रहा है, मैं बाथरूम में मोबाइल लेके जाती थी ना, मेरी बाबा था ये वाला जो मम्मी फिर से ली थी और फिर आज भी लिया, मम्मी ने वो दो बार लिया, मैंने बुला ये वाला पोर्शन है क्या चीज, ये इस पे क्या करना है वो मुझे पता है, इस पे बट मुझे जो नहीं पता था, जो मुझे पता नहीं चलता वो ये है कि मैंने ये तीन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए फॉर द रिक्वायरमेंट, पर अभी सॉफ्टवेयर को मैं आपस में कनेक्ट तो कर रहा हूँ, वो वाला क्यों कर रहा हूँ और क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वहां पे मैं अटक गया, धीरे धीरे होगा ना, तुम सोचता है अभी तो इतना तो हो गया ना तेरा, अभी देखो डाटा फाइल्स खोलना आ गया, लॉजिक बनाना आ गया, लॉजिक को सिमुलेट करना आ गया, ठीक है, अब कोई भी अगर आपका पीएलसी है, कोई भी आपका नया पीएलसी है, अब सबका नहीं बोल सकता ना कि इसी तरीके से होगा, सीधी बात ये है कि उसका एक लॉजिक रहे, उसका एक सॉफ्टवेयर रहेगा, उसके साथ अपने को क्या करना है, कम्युनिकेशन सेट करना है, अब वो कम्युनिकेशन का जो जरिया होगा वहां पे केबल लगेंगे, कौन सा केबल लगेगा वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का पीएलसी है, उसका सीरीज क्या है, वो सारी बातें हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, और इसका कम्युनिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब ओशन की तरह है, ठीक है, हर एक नया पीएलसी आएगा, नया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आएंगे, सेटिंग करते टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही होगा, हीटिंग ट्रायल करना पड़ता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए हम लोग कम्युनिकेशन सेट करते हैं कि भाई किसी तरीके से सॉफ्टवेयर, मॉडर्न पीएलसी जितने सारे आ रहे हैं ऐसा है कि प्लग एंड प्ले होते हैं कि आप लगाए केबल लगाए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जैसे किया वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई मेरे पास इतने पीएलसी है, ठीक है, तो इसको लेके ना यह सॉफ्टवेयर मैंने बताया ना कि सॉफ्टवेयर में इतनी सारी चीजें है उसको लेके टेंशन नहीं लेना है कि अरे यार मैं कितना जानता हूँ कितना है, क्योंकि हमको काम करने के लिए इसका 20% नॉलेज हो तो हम अपना काम निकाल सकते हैं आराम से, कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हो, उसको उससे ज्यादा नहीं चाहिए, हर एक पॉइंट के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में पता हो वो जरूरी नहीं है, आपको बेसिक आइडिया रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, जब कभी भी वो पर्टिकुलर काम पड़े तो मैं कर सकूँ उस चीज को, ठीक है, उस चीज को समझ सकूँ वहां पे कर सकूँ, जितने सारे आज के डेट पे ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं इंजीनियर से, मैं बताऊंगा कि मैक्सिम जो ऑपरेशन इंजीनियर है ना उनको तो पता भी नहीं होता है कि यह डाटा फाइल क्या होता है, कैसे उसको लगाना है, कैसे करना है, ऑटोमेशन इंजीनियर जो होता है वो आता है प्रोजेक्ट करता है, वो कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करके डाल के चला जाता है, बाकी लोगों को ये लेडर दिखना आ गया, उसको एडिट करना आ गया किसी तरीके से, बहुत है उसके लिए, ठीक है, समझ में आया प्रदीप, तो चलो आगे बढ़ते हैं, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं, तो तुम्हारा शेयर बंद कर, सो सबका सबका इंस्टॉल हुआ, आरएस लॉजिक सारे जुड़ी हो गए ना, ठीक है, सो आज
सर एक तो क्वेश्चन था मेरा सर, तो बोलो बोलो सर, ये जो पीएलसी पैनल होता है, पीएलसी का पैनल होता है ना सर, हाँ, उसमें मतलब पीपीएम करना होता है, तो उसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है सर, क्या करना पड़ता है? पीएलसी के पैनल पे आप पीपीएम करने जाओगे तो सबसे पहला चीज तो यह ध्यान में रखना है कि उसमें अगर आप ईयर ब्लोअर यूज करो है ना, साफ सफाई करोगे तो उस पे ब्लोअर यूज करोगे तो कभी भी ना, वो बहुत लोग होते हैं कि कंप्रेस ईयर से भी साफ सफाई करते हैं, तो वो नहीं करना है। यह ध्यान में रखना है कि उसमें मॉइस्चर ना आए है ना, हॉट ईयर हो, बहुत ज्यादा प्रेशर ना रहे ब्लोअर का, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो टर्मिनल से वो खुल सकता है, फिर प्लांट फिट कर जाएगा, वो सारी दिक्कतें आएंगी। तीसरा चीज है कि आपको सब पूरा का पूरा ये करना है और जो टर्मिनल से उनकी टाइटनेस चेक करते रहना चाहिए, लेकिन हमेशा हाथ नहीं लगा सकते हो, क्रिटिकल्स जो होते हैं, तो अगर आपको शटडाउन मिलता है, ये मिलता है, तो आप पूरा का पूरा एक बार टाइट करा लो उसको बंद करके करते हैं कि चालू कंडीशन में करते हैं? किसको? पैनल जो होता है ना पीएलसी पैनल, उसको बंद करके करते हैं कि चालू ऑनलाइन में ही करते हैं? नहीं, कर सकते हैं ऑनलाइन पे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी से करना है ताकि मेरा प्लांट डिस्टर्ब, मतलब पीएलसी जैसे चलते रहेगा उसी में ही करना हम लोगों को, उसको ऑफ नहीं करना है। नहीं, क्यों ऑफ कर देना? अगर आप मेजर कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर टाइम क्या? पीपीएम करने टाइम बोल रहे सर, पीपीएम ऐसा कुछ तो चेकलिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता ना सर? बंद क्यों कर दोगे पीएलसी प्लांट? हां वही, पीएलसी अगर बंद कर देंगे तो सारा प्लांट ही बंद हो जाएगा, तो पीएलसी को थोड़ी ना बंद कर देते हैं। Anyways, चलो हम थोड़ा सा सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स को समझते हैं। देखो हम अभी तक जो लिखते आ रहे हैं कि आई कोलोन जीरो डॉट जीरो स्लैश जीरो कोलोन जीरो डॉट जीरो स्लैश जीरो बी कोलोन थ्री डॉट जीरो स्लैश जीरो ये सब क्या होता है, तो इसी को हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब क्या है? सिंटेक्स मतलब होता है ग्रामर, है ना? सो डिफरेंट पीएलसीज यूज डिफरेंट सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब जो कोई भी लैंग्वेज होता है तो उसका अपना एक तरीका होता है लिखने का, कुछ एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। और जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप जाओगे तो आपको अल्फाबेट्स मिलेंगे, फिर वहां पे कॉमा स्टॉप्स मिलेगा। हिंदी में आपको पूरा का पूरा क्या कहते हैं उसको, पूर्ण विराम बोलते हैं, तो दाढ़ी मिलेगा है ना स्टॉप की जगह पे। तो ये सारे सिंटेक्स होते हैं, ग्रामर्स होते हैं, रूल्स होते हैं। सिमिलरली पीएलसी का भी लैंग्वेज जो है उसका भी कुछ सिंटेक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी पीएलसी एलन ब्रैडली यूज कर रहे हैं, तो एलन ब्रैडली का सिंटेक्स सीख लेते हैं, फिर हम देखेंगे थोड़ा बहुत कि ओमरॉन का पीएलसी का सिंटेक्स और सीमेंस का सिंटेक्स उसमें क्या अंतर आता है, वो सारी चीजें थोड़ा बाद में देखेंगे। सो एलन ब्रैडली पीएलसी में जब हम लिखते हैं आई कोलोन जीरो डॉट जीरो स्लैश जीरो, इसका मतलब स्लैश जीरो दिया ना, ये फर्स्ट इनपुट हो गया है ना, जीरो स्लैश जीरो से स्लैश ये अपना चैनल नंबर समझा रहा है। फर्स्ट आउटपुट क्या हो जाएगा, ओ कोलोन जीरो डॉट जीरो स्लैश जीरो। फिर तीसरा क्या है, बी कोलोन थ्री डॉट जीरो स्लैश जीरो। ये बी क्या है, बी का मतलब होता है बिट्स या फिर फ्लैग्स है ना, या फिर आप इसको बोल सकते हो टेम्पररी टैक्स, टेम्पररी टैक्स। तो ये टेम्पररी टैक्स कब यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, क्या होता है, बिट्स के बारे में बात करते हैं। इनपुट और आउटपुट की बात जब करते हैं, इसका मतलब
आप पीएलसी के हार्डवेयर में चैनल्स होते हैं, ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है दादा, थोड़ा जल्दी काम खत्म करना, करेंगे ना, आ रहे हैं, जाओ एकदम साइलेंट होके जाओ, ठीक है पर कितना देंगे, आधा घंटा लगेगा, ठीक है आधा घंटा कितना होता, 30 मिनट्स, सो इनपुट और आउटपुट जो होता है ये हमारे पीएलसी के हार्डवेयर चैनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब फील्ड में कोई ना कोई एक इक्विपमेंट के साथ हमने इसको लगाया हुआ है ना, सो हो सकता है स्विच है, कुछ पुश बटन से, एनीथिंग होता है, ये रिप्रेजेंट करता है चैनल्स। तो जब मैं लिख रहा हूं कि i:0.0/0 इसका मतलब ये इनपुट डाटा रजिस्टर जो है उसमें से एक ब्लॉक को रिजर्व कर रहा है, और कौन सा ब्लॉक होगा कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि स्लैश के बाद कौन सा बिट में यूज कर रहा है। ये रजिस्टर कितने बिट का होता है, 16 बिट का रजिस्टर है, मतलब 0 to 15 है। तो मैं यहाँ पे 0 यूज कर रहा हूँ, 1 यूज कर रहा हूँ, 2 लिख सकता हूँ, है ना, तो /1/2/3/15 तक। इसका मतलब चैनल नंबर 1 से लेके जब मैं बोल रहा हूँ कि 0.0/0 मतलब चैनल नंबर 1, 0.0/1 इसका मतलब चैनल नंबर 2। ये जो पीएलसी चैनल नंबर मतलब क्या है कि पीएलसी के साथ जो इनपुट लगा हुआ है वो इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4 इस टाइप से जाएगा। 16 चैनल का अगर पीएलसी है, कार्ड है, डिजिटल इनपुट कार्ड है, तो 16 चैनल के बाद 16 चैनल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनपुट चैनल बोल रहा हूँ, i:0.0/15 ये हो जाएगा मेरा चैनल नंबर 16। तो ये मेरा एक कार्ड कंप्लीट हो गया। सर ये जो चैनल होता है सर, हाँ, जैसे हर सेंसर फिजिकल डिवाइस जो कनेक्टेड रहता है, सेंसर हो या कुछ भी हो, उसी को चैनल ही ना बोलेंगे ना सर, जैसे हाँ, कोई भी फिजिकल जैसे सेंसर हुआ या मोटर हुआ जो भी है कनेक्टेड है वो चैनल हुआ, ठीक है सर? ये पकड़ लो, एक मैं कॉम्पैक्ट पीएलसी एक तो दिखा रहा हूँ, पकड़ लो यहाँ पे ये सारे इस तरह से देखे होंगे कि इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, यस, तो ये सारे एक एक चैनल हो गए, है ना, तो हर एक चैनल में एक ही सिर्फ जो भी है वो वेरिएबल कनेक्टेड रहेगा, एक ही डिवाइस कनेक्ट होगा। मगर सर अगर ये जो डिवाइस है उसका फीडबैक हुआ या ट्रिप हुआ, ये जो भी है वो क्या, वो भी चैनल से ही कनेक्टेड रहेगा क्या सर? डेफिनेटली फील्ड अब ट्रिप करा रहे हो आप, ट्रिप फीडबैक आ रहा है, पकड़ लो, तो ट्रिप फीडबैक आएगा तो कहाँ से आएगा, वो डेफिनेटली किसी एक कॉन्टेक्टर से आएगा या फिर रिले से आएगा। तो आप उसका फीडबैक लोगे कैसे, या तो वो रिले का एनओ से एनसी हो रहा है या फिर एनओ एनसी से एनओ हो रहा है, उसी का आप फीडबैक ले रहे हो यहाँ पे, है ना, तो ये तो एक एनओ कॉन्टेक्ट को आप पीएलसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ट्रिप हुआ, रन स्टेटस हुआ, ये सब भी चैनल ही होगा सर? हाँ, सब कुछ जो फील्ड से आ रहा है, फील्ड से जितना सारा है वो तो आपको चैनल पे ही लेना है ना, ठीक है, पकड़ लो आप बोलिए, पकड़ लो आप एक मोटर का ट्रिप फीडबैक लेना चाहते हो, रन फीडबैक लेना चाहते हो कि यहाँ पे पीएलसी में आपको रन फीडबैक चाहिए कि मोटर ऑन हुआ कि नहीं हुआ, तो मोटर का जो मेन कॉन्टेक्टर है उस मेन कॉन्टेक्टर का एक एनो ऑक्सिलरी एक इनपुट ले लो ना, एक एनो कॉन्टेक्ट, ठीक है, एक ऑक्सिलरी एनो कॉन्टेक्ट से मैं पीएलसी में कनेक्ट कर देता हूँ, ओके, ये पीएलसी के निगेटिव पे चला गया, पकड़ो, तो ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्या करेगा, ये जैसे जब चलेगा मोटर तो ये एनो कॉन्टेक्ट लिया था तो फिर ये कनेक्टेड रहेगा, है ना, क्लोज लूप रहेगा, मतलब अगर 1 आ रहा है इसका मतलब ये रन हो रहा है,
जैसे ही मोटर बंद होगा तो आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो वन आ रहा है मतलब मोटर रनिंग, तो फीडबैक मिल गया मेरे को। ठीक है, तो ये जितने भी जो है जो फिजिकली कनेक्टेड डायरेक्टली उसका भी, और जो एक अगर डिवाइस है जैसे एक मोटर में तो उसका रन स्टेटस होता है, ट्रिप स्टेटस होता है, फीडबैक स्टेटस होता है, ये सारा के लिए एक एक चैनल लगेगा। जितने सारे आप इनपुट्स लेते हो तो सबके लिए एक एक चैनल तो डेफिनेटली लगेगा ना, आप एक चैनल पे दो चीज कैसे दो। जब हम लोग मोटर को मोटर को हम सिग्नल देते हैं तो वो हुआ हमारा डीओ, पर जो फीडबैक आता है वो हम डीआई के चैनल पे कनेक्ट करते हैं। Exactly. अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा था सर कि एक पीएलसी है, हाँ छोटा पीएलसी है, सपोज कीजिए कि उसमें हम लोग चार इनपुट कार्ड्स हैं, चार आउटपुट कार्ड, और ओई ट्वेल्व है और आई ट्वेल्व, हाँ मतलब एक एक जो कार्ड्स है जैसे चार इनपुट कार्ड्स है चार आउटपुट कार्ड्स है, तो एक एक कार्ड पे 12-12 चैनल भी। ठीक है, तो अभी आप जो ये बता रहे थे कि आई कॉलन जीरो डॉट जीरो स्लैश वन, वो हमारा पहला ही जो कार्ड होगा उसके ऊपर होगा, राइट, उसके उसके 12 चैनल, 16 नहीं 12, अगर मेरा 12 चैनल का कार्ड है तो वो उधर 16 नहीं दिखाएगा 12 ही दिखाएगा, राइट। नहीं, आपका अगर पकड़ लो आपका एक कार्ड में 12 इनपुट्स है, ठीक है, पहले हम डीआई की बात करते हैं कि एक कार्ड में आपका 12 इनपुट्स है ना, आपका जो डाटा रजिस्टर है पीएलसी का, दैट रजिस्टर इज योर 16 बिट रजिस्टर, ठीक है, ये 16 बिट रजिस्टर है। ओके, सो आपका जो पहले पकड़ लो आप ये एक मॉड्यूलर पीएलसी पकड़ते हैं कि पहले मैंने एक कार्ड लगाया 12 चैनल का, ओके, और इसी को चला रहे, तो आप यहाँ पे 16 बिट है ना, तो फर्स्ट अप टू 11, 0 टू 11 ही शो करेगा, शो नहीं मतलब असाइन कर सकते हो आप। अभी पकड़ लो मैं जो लॉजिक लिखूंगा इसके लिए, पकड़ लो यहाँ पे मैं इनपुट जो लिख रहा हूँ, तो आई कोलोन 0.0/11, ये मैक्सिमम इनपुट नंबर हो सकता है मेरा। अगर मैं 0.0/12 लिख देता हूँ, है ना, सो 12 लिखने से ये 13 नंबर चैनल समझाएगा, है कि नहीं, और मैंने कार्ड लगाया है एक 12 इनपुट का, तो पीएलसी को ये 12 नंबर चैनल का मतलब ये 13 वाला चैनल ढूंढ के ही मिलेगा नहीं, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। ओके, अब क्या है कि मेरा जो इनपुट है मैं जो यूज करना चाहता हूँ वो पकड़ लो आप यूज करना चाहते हो 17 नंबर ऑफ इनपुट्स, 17 नंबर इनपुट आपको चाहिए, आपके एक कार्ड में है 12, तो आपको कितने कार्ड लगाने पड़ेंगे, आपको दो कार्ड लगाने पड़ेंगे, है कि नहीं, आपको दो कार्ड लगाने पड़ेंगे 17 इनपुट्स के लिए, और आपके पास कुछ स्पेयर चैनल्स बच जाएंगे, तो आप आपका पहला कार्ड का तो 12 चैनल आप यूज करोगे और बाकी सेकंड चैनल से 5 चैनल आप यूज करोगे। हो सकता है कि आप पहला वाला कार्ड का 5 चैनल यूज करो और दूसरा कार्ड का आप 12 चैनल यूज करो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में से एक में 8 और एक में कितना हो जाएगा 9 चैनल यूज करो, तो दोनों कार्ड में कुछ कुछ स्पेयर चैनल रह जाएंगे, है ना। अब जो भी चैनल आप यूज कर रहे हो, पकड़ लो एक नंबर पे आपने कुछ एक इनपुट कनेक्ट किया, दो नंबर पे कोई इनपुट कनेक्ट ही नहीं किया, तीसरे पे कनेक्ट किया, सो यहाँ पे जब आप लिखोगे, आप जब प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब आई कोलोन 0.0/ दे रहे हो तो वो किस चीज को आप यहाँ पे देना चाहते हो, कौन सा वाला चैनल को आप लिखना चाहते हो, क्या वो स्टार्ट पुश बटन उसी चैनल पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही चीज है। समझ गया सर, बट अगर सपोज करो मैं कार्ड्स की बात करता हूँ, अभी डीआई का मेरा 12 का है,
तो आपने बोला कि भले वो 16 तक ही देता है मैक्सिमम एक रो में, पर 16 अभी मेरे को, मेरा 12 का है, मेरे को दूसरा एक 12 का कार्ड लगाना पड़ेगा अपने 17 का जो एग्जांपल लिए, तब यहाँ पे आई कॉलन 0.1 स्लैश आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका तो पहला जो 0.0 जो वर्ड है यहाँ पे आपको, आपको 16 चैनल तो आपको यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है ना, वो नहीं कार्ड मेरा दूसरा हो गया। हाँ नहीं, कार्ड दूसरा होने से भी आपका रजिस्टर सिक्वेंशियल लेगा, ये 12 के बाद ये 13, इसी को आप जब लिखे हो ना कि 0.0/12, तो ये 13 चैनल को ही पकड़ाएगा। आप कार्ड फिजिकल कार्ड लगाओ दूसरा, ठीक है, रजिस्टर में ये सिक्वेंशियल ही जाएगा। यहाँ पे जाके इसी में समझते, जैसे अगर कोई रैक सिस्टम है सर, इसमें यही प्रदीप के सवाल से मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई रैक सिस्टम है, अगर हम अगर किसी चैनल में किसी मॉड्यूल्स में जो है 12 है चैनल है और एक्स्ट्रा चैनल लेना होगा तो दूसरा मॉड्यूल्स को ऐड करेंगे, मगर हम लोग जब पीएलसी में लिखेंगे सर तो वो जो मॉड्यूल्स है दूसरा जो एक्स्ट्रा है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा अगर हम सेम, अगर देखो यहाँ पे एक चीज है कि हम डीसीएस को पीएलसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा अलग रखेंगे, मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पीएलसी की बात कर रहे हैं तो पीएलसी सिक्वेंशियली इस रजिस्टर को लेगा कि यहाँ से 0-15 अगर इसका इनपुट डाटा रजिस्टर दिखा रहा है और आपके फिजिकल जो कार्ड है, फिजिकल कार्ड में आपका 12 चैनल है ना, 1 से लेके 12 चैनल तक है, तो जब आप जब यहाँ से 0 मेंशन किए इसका मतलब एक नंबर हो गया, और आप जब यहाँ पे 11 लिखे तो आपका 12 चैनल पीएलसी समझ गया। अब जब आप आई कॉलोन 0.0/12 लिख रहे हो, इसका मतलब ये वाला रजिस्टर पकड़ रहा है और 13 वाला चैनल पकड़ रहा है। अब 13 चैनल आपका सेम कार्ड में हो कि दूसरे कार्ड में, उससे मतलब नहीं। वो नहीं बोल रहा सर, एक मिनट सर, आप ये ब्लैंक पेज ले सकते हैं, ब्लैंक पेज ले लीजिए ना, यही वाला एग्जांपल है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन शायद क्लियर हो सकता है, ब्लैंक पेज। जैसे एक पीएलसी है, एक पीएलसी में मैंने टोटल अपने 4 डीआई कार्ड कनेक्ट, तो वो 4 आप डीआई कार्ड बना सकते हैं, 4 एक पीएलसी है, 4 डीआई कार्ड कनेक्ट, एक एक कार्ड का मैं मेरे 12-12 चैनल है ना, हाँ, so, 1-12, हाँ, ठीक है, 1-12, इसमें भी 1-12 है, ठीक है, आगे बोलो, सर, सेका ना पापा, आपने हमने जिस हम सिंटैक्स सीख रहे थे सर, अभी हाँ। मैंने मेरे को टोटल 16 डीआई चाहिए, बाकी सब स्पेयर है, 16 डीआई चाहिए, अभी मैंने हर एक डीआई है, अभी यहाँ के 6 यहाँ नहीं, यहाँ के 8 पहले पहले कार्ड के 8 दूसरे कार्ड के 8 यूज किए, ठीक है, पहले कार्ड के 8 और दूसरे कार्ड के 8 यूज किए, और ये जितने भी 8-8-16 है, ये 16 से 16 मोटर्स चल रहे हैं, ठीक है, अभी अभी मैं जब उसका सिंटैक्स दूंगा, ये 8 के 8 के एक में मैंने आपने जो बताया था उसमें सिर्फ 16 अलाउडेड है, जो आपने बताया था नाम को, उसकी सिर्फ 16 अलाउडेड है, पता है ना, मतलब जो स्क्रीन बताया था, अब मैं
इनको किस तरीके से इनका सिंटैक्स दूंगा और कैसे कर। तो ये रहा मेरा डाटा रजिस्टर, इनपुट डाटा रजिस्टर आई कॉलन जीरो डॉट जीरो, आई का मतलब हो गया इनपुट, ये हो गया वर्ड, शुरू हो रहा है जीरो से, 16 बीट है मतलब 15 तक है ना, 1 2 3 4 15 तक। आप यहाँ पे यूज कर रहे हो 16 रजिस्टर, 16 चैनल यूज कर रहे हो, इसका 8 और इसका 8 पकड़ लो। यहाँ पे जो 16 यूज किया उसमें आपने यूज किया 1 2 3 4 और फिर आपने यूज किया 8 9 10 11 ठीक है, 8 9 10 और 11 ठीक है। बीच में यहाँ पे आपने चैनल को छोड़ दिया, 5th चैनल से लेके 7th चैनल तक आपने यूज नहीं किया और 12th नंबर चैनल को आपने यूज नहीं किया है ना, ठीक है। इसमें आपने क्या किया कि पहला चैनल को यूज नहीं किया है, तो या ये इसका सेकंड चैनल से लेके आपने सिक्वेंशियल यूज किया है और 9th चैनल तक यूज किया है, तो ये हो गए 8 चैनल हो गए। इसी तरीके से हमने फिजिकल कनेक्शन किया है इसमें, श्योर यस। अब मैं लॉजिक लिख रहा हूं और लॉजिक में जब मैं लिख रहा हूं तो मेरे पास जो इनपुट है, इनपुट 1 2 3 4 और फिर चैनल नंबर 8 से है, 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर और इनपुट मेरे पास है दूसरे कार्ड का सेकंड से लेके 9 तक, ये सारे फिजिकल कनेक्शन है मेरे पास, ठीक है। मैं जब लिख रहा हूं कि मेरे पास पकड़ लो मोटर है, आप जैसे बोले कि 16 को मोटर है और हर एक का स्टार्ट स्विच बटन ही लगा हुआ है। हाँ सर, सिर्फ स्टार्ट लगा के ही समझ, ठीक है, सबका स्टार्ट पुश बटन ही लगा हुआ है, 1 से लेके यहाँ पे 11 तक, यहाँ पे 9 तक, ठीक है, 16 तो मोटर का स्टार्ट पुश बटन। तो मेरा मोटर 1 का जो स्टार्ट पुश बटन है, इसमें और थोड़ा खेलते हैं ना, कि मोटर 1 का जो पुश बटन है वो लगा है 2 नंबर कार्ड के तीसरे चैनल पे, समझो बात। 1 नंबर मोटर का स्टार्ट पुश बटन लगा है कहाँ पे, 2 नंबर कार्ड के 3 नंबर चैनल पे, मतलब यहाँ पे, समझ रहे हो। हाँ। ये लग गया 1 नंबर का स्टार्ट पुश बटन। अब मैं कैसे लिखूंगा, अब यहाँ पे कितना है 12 और ये लगा है किसने, तीसरे चैनल पे, मतलब 13 14 15, समझ रहे हो। 1 to 12 13 14 15, तो 15th चैनल पे एक्जेक्टली पीएलसी के 15th चैनल पे लगा है मेरा 1 नंबर मोटर का स्टार्ट। तो ये रहा मेरा मोटर 1, ये चालू कब होगा, जब 15th चैनल में क्या आएगा, 1 आएगा है ना, 15th चैनल में। तो 15 चैनल यहां से ढूंढ के निकालो, 15 मतलब 0 से शुरू हुआ ना, तो कितना होगा 14, ये वाला 1 होगा, 1 2 3 4 करके जाओ तो 14 पे आपका 15 आएगा, क्योंकि आप यहां से काउंट 0 से शुरू कर रहे हो रजिस्टर में। तो मैं यहां पर लिखूंगा i:0.0/14। सर अगर यही चीज आपके 9th नंबर के उस पे आती तब आप क्या करें, यहाँ पे ना 9th चैनल, 9th मतलब कितना हो जाएगा, इधर से 9 और 12, सो 12 प्लस 9 कितना हो गया आपका 21 है ना,
देखो 15 है, उसके बाद i:0.1 आएगा और फिर से जीरो से शुरू होगा, तो यहाँ तक आया 16, 17, 18, 19, 20, 21 दिस चैनल। सो मैं इसको एड्रेस कर सकता हूं i:0.1/4 ये जो आपने किया, ये मतलब अभी मेरा इसमें मतलब मेरा कार्ड है जो है, जितने भी मेरे कार्ड लगे हैं उन सब का सीरीज में ही नंबर होगा, राइट? सीरीज में ही नंबर आएगा। पहला कार्ड जो लगेगा वो एक नंबर कार्ड होगा, उसका जो पहला चैनल है वो एक नंबर चैनल जीरो, ठीक है? और वो चैनल कहाँ पे जाएगा, वो चैनल का जो वैल्यू है वो जाएगा डाटा रजिस्टर, जो भी है इनपुट डाटा रजिस्टर, उसका पहला चैनल जो है जीरो बिट, वो जीरो बिट पे जाएगा। अब उससे शुरू होके आप नीचे नीचे सिक्वेंशियली आओगे, अगर आपके कार्ड में 12 इनपुट्स है तो 12 तक तो उसी कार्ड पे गया, 13 नंबर जो होगा, 12 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना? और जो 13 नंबर चैनल होगा, इसका मतलब दूसरे कार्ड का पहला चैनल, 13 नंबर यहाँ पे, 13 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12, रजिस्टर का 12 बिट जो है ना, या फिर हम 13 बिट बोले, वो आपका सेकंड कार्ड का पहला चैनल। तो अभी सर ये जो चौथा नंबर का कार्ड है DI का, इसके सपोज करो जस्ट अभी अभी मेरा, मेरे को एक स्पेयर दिखा, मेरे को फील्ड में गया, मैं देखा कि मेरा ये वाला एक जो चौथा नंबर का DI कार्ड है उसका जो चौथा ये DI इधर लास्ट वाला जो यूज नहीं किया एकदम स्पेयर है, चौथा नंबर का जो DI कार्ड है उसका फिफ्थ नंबर का चैनल स्पेयर है, यहाँ मुझे कनेक्ट करना मोटर को। अब इसको एड्रेस कैसे करेंगे, ये टोटल 41 चैनल जो है उसमें वो आपका स्पेयर है, ठीक है? अब आप इसको एड्रेस करना चाहते हो, इसको एड्रेस करो, कहाँ पे आके गिरेगा देख लो, 16, 16, 32 यहाँ तक 32 चैनल आ जाएगा, और उसके बाद कितना बचता है, 41 माइनस 32 उन्हें से कितना हो गया रे, 9, हाँ और 9 चाहिए है कि नहीं, तो 9 चाहिए मतलब यहाँ से काउंट करोगे 8 नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है सर? सो i:0.2/8 पे आपका ये वाला पांचवा चैनल आएगा। तो ऐसे तो सर इतने सारे कार्ड कनेक्ट होंगे, तो हम लोग ऐसे कितना काउंट करेंगे, मतलब के चौथे नंबर के कार्ड पे है, चौथे नंबर के कार्ड के तो पांचवा चैनल पे है, इसी तरीके से काउंट करके करना पड़ेगा, इसी तरीके से होता है, आप कौन सा चैनल यूज कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे हो, उसी हिसाब से होता है सर। इसी क्वेश्चन में सर सपोज ये बीच में ये एक कार्ड जो है DO का कनेक्टेड हो गया सर, यहाँ पर बीच में इस बीच में ऐसे बीच में कनेक्ट हो गया, तो DO कनेक्ट हो गया, लेकिन आपका जो आप पकड़ लो ऐसा है, आपका PLC में आप लगाते टाइम ये इनपुट कार्ड आया और उसके बाद आप बोल रहे हो कि एक डिजिटल आउटपुट कार्ड आ गया, ठीक है, और फिर से एक डिजिटल इनपुट कार्ड आया, तो आप कैसे करोगे, है ना? उसके बाद उसको हम काउंट कैसे करेंगे सर? सो डिजिटल इनपुट को एक ही साथ में काउंट करना है, आउटपुट रजिस्टर ही अलग है, तो उसको भी जो है जैसे सीक्वेंस में हम लोग कर रहे हैं ऐसे सीक्वेंस में करना ऐसे, हाँ
ये डिजिटल इनपुट का जो कार्ड है वो अगर 12 पे खत्म हो रहा है और फिर डिजिटल इनपुट 13 ये एक से फिर से इसके 12 पे खत्म हो रहा है, तो आपका जो 13th नंबर रजिस्टर 13th बिट जो होगा यहाँ पे रजिस्टर पे वो आपका तीसरे कार्ड का पहला चैनल समझाएगा। मतलब सर पहले हम लोग चैनल नंबर काउंट करेंगे फिर उस चैनल से ये करेंगे। अभी इसके लिए इसीलिए मैं सोचूं कि हम इसको नीचे रख के ऊपर जाने को क्यों बोलते हैं कि चैनल पे लाइट जला कि नहीं जला, वो चैनल नंबर काउंटिंग के हिसाब से असाइन करते हैं और वहां से सिग्नल देते हैं। सिग्नल देते हैं तो इस चैनल पे लाइट जलता है तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ इस चैनल पे कनेक्ट कर दो। सर और एक चीज कि ये जो चैनल्स हैं ये हमारे हमारे वहां पे कैसा है कि एक ही सेंटर पे पैनल एक ही पैनल है एक ही पीएलसी। हाँ अभी जैसे का रियो आरआईओ पैनल्स बहुत सारे क्लोज रिंग क्लोज लूप सर्किट्स है रिंग नेटवर्क। तो अभी एक पैनल है उसमें चार पांच डीआई है डीओ है, दूसरा पैनल है चार पांच है डीआई है डीओ है, जैसे तीन चार पांच पैनल है उनको रिंग टोपोलॉजी में लाके एक पीएलसी में कनेक्ट किया तो उसमें कैसे काउंट करें? तो ये क्या है, ये एक पीएलसी है ठीक है एलएनबीडी का 1000 है ना, इसमें हमको इनपुट डिजिटल इनपुट कितना मिल रहा है यहाँ पे देखो I/19 मतलब 20 डिजिटल इनपुट मिल रहा है और डिजिटल आउटपुट कितना है 12 O/11 O 0 से शुरू हुआ है O 11 तक है तो डिजिटल आउटपुट 12 मतलब टोटल 20 प्लस 12 32 चैनल का ये ये ऊपर जो यहाँ पे दिखा रहा है I0 यहाँ से I-19 तक ये 20 हुआ और यहाँ पे O0 से लेके O11 तक ये आउटपुट हो गया 12 ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ना I1, I2, I3, I4, I5, I6 ये इसका मतलब इनपुट चैनल्स है ना, और O0 से लेके O11 तक 12 आउटपुट चैनल्स है ठीक है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट के सारे LEDs दिखेंगे, तो पहला चैनल का पहला LED, दूसरे चैनल का दूसरा LED इस टाइप से रहेगा ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज देखने को मिलेगा कि आपका देखो ए 0 से लेकर 3 मतलब चार चैनल के लिए एक कॉप, फिर I4 से लेके बाकी 19 तक यहाँ पे दूसरा कॉमन दिया है ना। कॉम क्या होता है? कॉमन पॉइंट। अभी आपका एक स्विच से हो एक ट्रांसमीटर से हो पकड़ लो ये रहा मेरा एक पुश बटन जिसको मैं पीएलसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ठीक है। तो इसके साथ जब मैं कनेक्ट करने जाऊंगा तो इस पुश बटन का दो तार आएगा ना, दो तार में से एक तार तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ और जो दूसरा वाला तार है वो कहाँ पे लगेगा, वो
वो कॉमन में लगे है ना सर, कॉमन पे लगेगा ठीक है, कॉमन मतलब ग्राउंड। इसका एक नंबर का जो से कनेक्ट होगा, एक नंबर से जो कनेक्ट होगा वो भी कहाँ पे लगेगा, कॉमन। तो ये सब ये चारों चैनल के लिए एक कॉमन, और ये बाकी पांच फिफ्थ चैनल से लेके आपका 20th चैनल तक उसके लिए दूसरा कॉमन। अभी तो बोलोगे ऐसा क्यों किया है ना, ऐसा क्यों करते हैं कि कॉमन अलग अलग क्यों करते हैं। हो सकता है कि आपका आपके पास जो एलिमेंट्स है उसमें से, चलो ये आप लोग बाद में समझेंगे सर, आप लोग मिक्स कर दे रहे हो सारा चीज बाद में, आधा अधूरा नॉलेज लेके मिक्स हो जाएगा और फिर हम पजल हो जाएंगे कि यार कहाँ पे क्या है क्या है। सिंटैक्स पे फोकस करते हैं। नहीं नहीं थोड़ा सा बता दीजिए सर, ये वाला थोड़ा, क्योंकि कल जाके मैं अगर ऐसा सब ट्राई चैनल पे गड़बड़ हो गया मैं तो बोल दूंगा नजीम सर ने सिखाया। मेरे को पता है ना आपको, ये सब बताएंगे, ये हार्डवेयर इंटरफेसिंग का मामला है उसको हम बाद में करेंगे, हार्डवेयर इंटरफेसिंग का जाएंगे। लेडर पे थे, लेडर से भटका के आप लोग हार्डवेयर पे लेके चले। So, letter पे हम लोग curiosity कितनी है आपके students में? हाँ, वो पता है मेरे को कि जब छोड़ देंगे ना ढाल तो नाव किधर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो नाव को अगर सीधा राइट डायरेक्शन पे लेके जाना है सारथी तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ। सारथी है जहाँ जैसे घुमाएंगे वैसे जाए। तो भाई यहाँ से देखो ये कहाँ चलेगा, इसके मतलब है सर। ओए अभी तक जितना समझे उस पे रहो, क्या समझ गए कि आपका जो चैनल के साथ जो लिंक करना था आपको रजिस्टर का वो मैंने बता दिया है ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो उसको समझो ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स के बारे में बात कर रहे थे, और सिंटेक्स क्या था कि अलग अलग पीएलसी का अलग अलग सिंटेक्स होता है, और हम जब ऐसे लिखते हैं कि i:0.0/0 इसका मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर चैनल को समझा रहे हैं इनपुट चैनल। जब हम यहाँ पे o:0.0 लिखते रहे हैं, तो ये 0.0 हो सकता है, 1.0 हो सकता है ना, तो /0 लिखते हैं तो वो क्या बता रहा है कि जो भी अपना डाटा रजिस्टर है इनपुट का, और इनपुट के डाटा रजिस्टर का कोई एक पर्टिकुलर बिट को हम समझ रहे हैं, कितना बिट यहाँ पे जितना बिट लिखा रहेगा। बिट कितना नंबर से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 15 तक रहता है। मतलब चैनल के हिसाब से अगर देखेंगे तो 0 बिट मेरा एक नंबर चैनल होता है, वो तो फिजिकल है, एक नंबर चैनल को हम 0 बिट कहते हैं। चलो ये तो हो गए इनपुट रजिस्टर समझ में आया। सिमिलरली आउटपुट रजिस्टर भी समझ में आता है कि उसमें आउटपुट चैनल्स लगेंगे आउटपुट चैनल को, बट व्हाट इज दिस बिट b:3। तो तीसरा फाइल जो है लेडर का RS Logix में जो तीसरा फाइल है, that third file is for your bits. Your bits को हम बोलते हैं flags. और flags को और एक नाम दे सकते हो, उसको आप बोल सकते हो कि temporary tags. Internal memory का. Temporary tags. ठीक है? तो ये bits जो होगा, या फिर temporary tags होगा, या फिर आप flag बोलो, ये किसी भी particular hardware channel के साथ connected नहीं होगा. It will not be connected to any hardware channels. ये क्या होगा? ये logic के अंदर जब आप programming कर रहे हो, वहीं पे generate करोगे flags को, ठीक है? और उसी logic के अंदर ही उसको use करोगे और खत्म करोगे, ठीक है? इसको memory bit भी बोलते हैं सर? हाँ, memory bit भी बोल सकते हो इसको। तो इसका मतलब क्या है कि देखो हमको कभी-कभी जरूरत पड़ता है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको चाहिए कि यार एक काम करो, इसका जो वैल्यू निकला है वो किसी एक रजिस्टर पे जाके स्टोर करके रख दो, बाद में हम इसको यूज करेंगे। सपोज आपके कंडीशन 1, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि कंडीशन 1
कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, ऐसे अलग अलग कंडीशन है और ये तीनों कंडीशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन से आप कुछ कर रहे हो, तो बेटर है ना कि आप कंडीशन वन में तो आपका बहुत सारा इनपुट का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है एंड और है, एंड देन यू आर यूजिंग दिस एज इन सम वे, फिर आप दूसरे कंडीशन को भी यूज करोगे, तीसरे को करोगे, तो क्लामजी चीज है। तो हम एक काम करते हैं, सिंपल बनाते हैं कि कंडीशन वाइज हम एक एक फ्लैग जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब फ्लैग जनरेट करूंगा तो मैं लिखूंगा बी कोलन 3.0/0, ये बी जो बिट्स होगा, टेम्पररी फाइल्स होगा, वो शुरू होता है आपका थर्ड फाइल से, तो बी कोलन 3.0/0, और दूसरा जो फ्लैग जनरेट होगा बी कोलन 3.0/1, and then I can use anywhere this b colon 3.0/0 as input address, ठीक है? So ये इसको कहते हैं flag, लेकिन ये दो उसके बीच का है ना, ये कभी भी आपको output scan में नजर नहीं आएगा। output scan में जो भी flag होगा वो नजर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो तो अंदर ही खत्म, इसका तो कोई चैनल के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। अगर आपने पकड़ लो, आपने प्रोग्रामिंग किया और आउटपुट कॉइल में आपने B3.0/0 देके बोले कि यार ये चैनल नंबर एक नंबर पे जाएगा मेरा, तो ये गलत है, क्योंकि ये इसका कनेक्शन आपके आउटपुट चैनल के साथ नहीं है, ये इंटरनल रजिस्टर है, वही पे शुरू होगा, फ्लैग रजिस्टर है, टेम्पररी रजिस्टर है, प्रोग्राम के अंदर जनरेट करेगा वैल्यू को, वही पे रख देगा, वो आउटपुट स्कैन में कुछ फेस नहीं करेगा। आउटपुट पे चाहिए तो हमको यहाँ पे O colon 0.0 से शुरू करें, ठीक है? यानी फिजिकल जो भी रहेगा, फिजिकल वैल्यू जो रहेगा वो एक्टिव नहीं होगा, डायरेक्टली ये इंटरनल में ही वो एक्टिव होके वही रहेगा। एग्जांपल के साथ अगर ये बात, डेफिनेटली। सो व्हाट डू दिस बिट मींस, I का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ वेरिएबल समझा रहा है। आई क्या बता रहा है आपको, आई बता रहा है कि टाइप ऑफ वेरिएबल है ना, सो उसके बाद कोलन क्या है, कोलन है सेपरेटर। तो यहाँ पे देखो, टाइप ऑफ वेरिएबल में जो हमारा आरएस लॉजिक से, मतलब रॉकवेल ऑटोमेशन का जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको मिलेगा I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, B फॉर बिट, T फॉर टाइमर, C फॉर काउंटर, ठीक है? तो यहाँ पे I लिखा हो सकता है, यहाँ पे T लिखा हो सकता है, यहाँ पे C लिखा हो सकता है, यहाँ पे O लिखा हो सकता है, B लिखा हो सकता है। सो B बोलने से हमको समझ में आएगा ये बिट है, फ्लैग है, T लिखा होने से टाइमर है, C लिखा होने से काउंटर है ना, O लिखा होने से ये आउटपुट है। तो ये सारी बातें हमको समझ में आएगी। फिर दूसरा जो है वो एक सेपरेटर है, सिंपल सिंटेक्स की बात है कि सेपरेटर यूज करेंगे हम लोग कोलन। जो आपका जीरो है, पहला जीरो है, इट इंडिकेट्स द स्लॉट नंबर कि कौन से स्लॉट पे है ना, सो स्लॉट नंबर इंडिकेट्स, देन दिस इज ऑल्सो ए सेपरेटर, देन दिस विल बी योर वर्ड नंबर एंड again slash number and bit number, ठीक है सर? जो आपने ये बिट बताया था, जैसे ये आई है तो इस आई में हम लोग, सर एक बार, ये आई में हम लोग टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स जो ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट कार्ड, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट ले सकते हैं जितना डिपेंडिंग नंबर ऑफ आउटपुट कार्ड हो सकते हैं, बाकी इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये I0.5 से लेके भी वो आगे तक जाता है ना सर, डिपेंड करेगा ना आपका सीरीज, आप कौन सा पीएलसी यूज कर रहे हो, सीरीज कौन सा है इसका, भाई कितना इनपुट आउटपुट सपोर्ट करता है, ये कितना होगा, क्या चीज, तो बिट्स लेते हैं वो हम कितना ले सकते हैं, मतलब जैसे ये बिट्स है ना सर, यहाँ पे आपका मेमोरी बिट, मेमोरी बिट सर, मेमोरी बिट, हाँ उसका भी लिमिट रहता है,
आप ये जो बाइनरी बिट से देखो इसमें सिर्फ कितना है, इसमें सिर्फ 16 बिट्स दिया हुआ है ना। टेम्पररी फ्लैग्स में ओनली 0 to 15 है, B3:0 है। ये जो हम लोग आर एस लॉजिक्स का है माइक्रो स्टार्टर यूज कर रहे हैं, मतलब 1000 1100 का सीरीज का जो है, उसमें आपके पास सिर्फ 16 बिट ही है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बड़ा माइक्रोलॉजिक्स 1400 यूज करोगे तो उसमें 500 बिट्स रहेंगे, 1000 बिट्स रहेंगे, आप यूज कर सकते हो उसको, है ना। वो देख लेना पड़ेगा कि कौन सा पीएलसी है, उसमें कितना बाइनरी बिट्स अवेलेबल है। ओके समझ में आया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो एक सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर हो गए थोड़ा बहुत। ये आईओ कॉन्फ़िगरेशन में जाके ना हम लोग यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं कि हम क्या लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो भी उस पर्टिकुलर सीरीज के अंडर में अवेलेबल कार्ड्स होंगे, सीपीयू होगा, वो सारा चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आईओ कॉन्फ़िगरेशन में आपको कॉन्फ़िगर करना है कि आप पहले कौन सा कार्ड लगा रहे हो, दूसरा कौन सा कार्ड लगा रहे हो। तो यहाँ से देखो आप लोग 1762 तो अलग अलग पार्ट नंबर होते हैं, अलग अलग रिले आउटपुट कार्ड है, ये वाला पार्ट नंबर है। तो मेरे को क्या चाहिए, मैं उसी हिसाब से ऑर्डर करूंगा, मैं उसी हिसाब से लाऊंगा। थर्मोकपल इनपुट मॉड्यूल, तो ये 1762 IT4 ये वाला पर्टिकुलर ऑर्डर करूंगा, वो आएगा लगाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को वही चीज कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ मैंने ये लगाया, ठीक है, ये आ गया। अभी पीएलसी के सीपीयू में जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको बताना है कि आपने कौन सा कार्ड कहाँ पे। एक तो होगा सीपीयू जिसके साथ कॉम्पैक्ट आपका कुछ चैनल्स आ रहे हैं, उसके साथ आपने एक्सटेंड किया, पकड़ लो पहला जो कार्ड लगाए वो डिजिटल इनपुट लगाए कि आउटपुट लगाए, दूसरा जो कार्ड लगाए वो थर्मोकपल का लगा दिए। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर भी कर दोगे, समझ रहे हो। तो पीएलसी समझ जाएगा, अच्छा भाई मेरा ये वाला पर्टिकुलर कार्ड जो है वो वहां पे लगा हुआ है। तो ये हार्डवेयर इंटरफेसिंग धीरे धीरे करेंगे, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। फिर प्रोग्राम फाइल्स में देखो, System 0 System 1 ये दो फाइल्स तो पीएलसी रिजर्व करके रखा है अपने लिए, लेडर 2 से हमको देता है। अभी आप यहाँ पे लेडर अलग अलग आप ऐड कर सकते हैं, फाइल नंबर तो ये लेटर 2 किसका बन गया, टर्बाइन का लॉजिक में लिख रहा हूँ। तो फिर मैं इसी लेटर 2 में पूरा का पूरा टर्बाइन का लॉजिक लिखूंगा। फिर मैं यहाँ पे स्टेटस वहां पे जो न्यू विंडो है वहां पे करेंगे तो शायद आ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लेडर को ऐड भी कर सकते हैं, नहीं विंडो को नहीं, वो तो अलग से विंडो से खुलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेडर फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, जितना भी लेडर फाइल्स हमको चाहिए। तो आप पकड़ लो, आप एक एक मोटर के लिए अलग अलग बनाना चाहते हो, अलग अलग लेडर एक ही में रखोगे बहुत सारा बन जाएगा। आप अलग अलग फाइल्स बना के रख सकते हो उसमें, लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर, लेकिन लेटर 2 से System 0 एंड System 1 मतलब फाइल 0 एंड 1 ये पीएलसी अपने लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, बाकी लेटर 2 से आपके हाथ में है, आप यूज करोगे। अब इसमें और शायद से लेटर का ऑप्शन नहीं है, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा इसको। और फिर ये सारे रजिस्टर होते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे
रेफरेंस खेलना बाद में अनाथ आएगा है ना, ये क्या है क्या? क्रॉस रेफरेंस, हाँ ये ऊपर जो क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस मतलब आप जो भी डाटा यूज कर रहे हो उसको आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, रेफरेंस ले सकते हो। कभी भी आप कोई डेट यूज करना चाहते हो है ना, तो वो मतलब डेट कि ये वाला इनपुट जो है वो इनपुट कहाँ पे यूज हो। और कहाँ पे और किसी लॉजिक पे यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारा आप देख सकते हो इससे क्रॉस वो रेफरेंस। बहुत काम का है ना, मतलब कि हम लोग लेटर तो कितना लेंदी लिखा होता है तो हाँ कैसे। एग्जैक्टली हम देख सकते हैं। जैसे मैं और एक तो दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा वो जो आइडिया। बिट वाला है ना सर, आपने बिट दिया था, फ्लैग दिया था, आज के दिन में अगर हो सके तो उसका खाली एक एग्जांपल दे देना तो भी इनफ हो जाएगा। करोगे तब तो करते हैं करेंगे। लॉजिक कैसे होता है, पर अभी ऐसा फील हो रहा है कि काश लाइव मतलब ऑनलाइन ना हो के ऑफलाइन होता तो ज़्यादा पता चलता, आपके वहाँ पे सेटअप होता ना। ऐसा नहीं है। तुम लोग बीच बीच में दौड़ रहा है, उड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। तुम लोग मेरे साथ चलो, सारा चीज धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम हो जाएगा। चलो ठीक है, होगा, धीरे धीरे होगा। आज सिंटेक्स समझे ना, एक दिन में दौड़ के अगर पूरा मैदान मार लेना चाहोगे तब तो दिक्कत आएगी। सर रुको ना रुको ना सर, वो खत्म करना बाकी है आपके सिंटेक्स का लास्ट, क्या चीज? वो जो पीएलसी से आप कनेक्ट करके कुछ एक्सप्लेन कर रहे। नहीं वही एक्सप्लेन कर दिया ना, और क्या बोल चुका। वो तुम समझ चुका है, बेकार में नहीं समझा है ऐसा तुमको लग रहा है। काहे लग हाँ रहा ये है तो पता नहीं। ये समझ गया सर, समझ गया ये सर। एक एक चैनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पे जाएगा, कैसे हम चैनल को पकड़ेंगे, वो समझ चुका है। हाँ सर हाँ अभी जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपको कंफ्यूजन आता रहेगा। ठीक है, ओके सर। अभी देखो आप, हमने जो भी प्रोग्राम दिए थे लास्ट क्लास में, कुछ प्रोग्राम दिया था आपको। नहीं सर ओके, तो मैं आप लोगों को टोटल अभी 15 प्रॉब्लम दूंगा। ठीक है, 15 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आई बी असाइनिंग, और उनको सिक्वेंशियली एक के बाद एक ही करना है। और अगर आप 15 प्रॉब्लम तक कर पाए तो आपका डिजिटल साइड से पीएलसी क्लियर हो जाएगा लेटर। ठीक है, और एक एक करके आप करो, और उसका चलो बाद में ट्रुथ टेबल लिख लेना। ट्रुथ टेबल भी चाहिए, पहला शुरुआत का कुछ तो ट्रुथ टेबल लिखो है ना। फिर उसको आप जो सिमुलेटर है उसमें डालो और चेक करो कि आपका मिल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। कंफ्यूशन अराइज होता है तब बताइए, है ना। ओके चलो, हाँ सर, वो सर वो ओके सर। क्वेश्चंस आप अभी बताएंगे या देंगे। हाँ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, पीडीएफ दे दूँ। ओके, नेक्स्ट क्लास तक देना है क्या इसको? अब करो ना, तो अभी रेडी नहीं किया हुआ, रेडी कर लेंगे। टाइम लगेगा उसमें। आप लोगों को ठीक है सर, कोई बात नहीं। 15 प्रॉब्लम एक साथ नहीं कर पाओगे, तो 4 दोस्त और सर लगेंगे। उसको हाँ क्या अलग अलग प्रोजेक्ट करके सेव रखेंगे हम? एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करके करो, फिर देखो करके कि क्या, क्योंकि इसको इसी तरीके से सजाया है कि आपका जो कंफ्यूजन अराइज होना चाहिए। कंफ्यूजन अगर अराइज नहीं हो रहा है और क्लियर हो रहा है, इसका दो बातें होगी, या तो आप पूरा सीख चुके हो या फिर आप कुछ नहीं सीखे। समझ में आया?
जो 13 14 12 13 14 वाले प्रॉब्लम्स होंगे उसमें कंफ्यूजन आना ही आना है, नहीं आता है तो या तो आप एक्सपर्ट बन चुके हो या फिर अपने ही सीखे हो कुछ भी। ओके सो सारे प्रॉब्लम्स करना सिक्वेंशियली तो समझ में आएगा। सो फॉर टुडे बाय 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 गुड नाइट सर। मैं सर इसका रिकॉर्डिंग तो मिलेगा और सर ये जो बीच अभी हमने आपने इंस्टॉल मैंने इंस्टॉल किया उसके बाद आपने जो सेटअप कराया ना फॉर मी, मैं ये करूँगा कि ये सारी चीज़ें फाइल्स का डाउनलोड तो कर लिया है ठीक है, मैं इनको अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करके ये सारी चीज़ें एक बार खुद से बिना किसी चीज़ के विद मीनिंग करने की कोशिश करें। करते रहो ना, जितना खेलोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, जितना खेलोगे सॉफ्टवेयर के साथ उतना ज्यादा चीजें समझ में आएगा। हाँ बोलो बोलो। सर ये वीडियो अभी आप अपलोड अभी कर दीजिए क्योंकि एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं सुबह देखती हूँ इसको, जब ड्यूटी जाती हूँ ना तो बस में एक घंटा लगता है उस टाइम पे मैं देखती हूँ वीडियो रिकॉर्ड, तो आप अभी डाल लेंगे तो सुबह मिल जाएगी मुझे तो मतलब कभी कल तो शाम को फिर से क्लास होगा ना 8 बजे? कल शाम को 8 बजे हाँ क्लास होगा। कल होगा कि सर परसों होगा? मतलब कल होगा, कल होगा ठीक है। कल तो डेट है, कल का शेड्यूल क्लास है आपका? कल तो शेड्यूल क्लास है। हाँ कल का तो है ऑलरेडी, क्लास होगा ठीक है। ओके ठीक है सर, बाय बाय सर, बाय बाय गुड नाइट।